कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल दहिया अभी हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी स्वागत है आपका बिंदास रहे। बिंदास रहे वालों का भाई सब भाइयों को राम राम और स्वागत करते हैं हम आपका यहाँ पहुँचने पर। राहुल जी अगर हम बात करें रोहतक की और सोनीपत की, सोनीपत आपका घर है, रोहतक में आप रहते हैं, तो दोनों लोकसभा सीटों के बारे में आप बड़े गहनता से जानते हैं। क्या लगता है रोहतक एक बार फिर आप हार जाएंगे या फिर जीतने में इस बार कामयाब रहेंगे? खाली जीतेंगे नहीं, रिकॉर्ड बनाएंगे। एमपी साहब जो 2005 में जिन जितनी वोटों से जीते थे उनसे भी ज़्यादा वोटों से एमपी साहब जीत करके लोकसभा पहुंचेंगे जी। लेकिन बीजेपी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को वहम है और उनका वहम ये हम तोड़ेंगे, तीसरी बार कमल खिलाएंगे। हर आदमी का कहने का अलग अर्थ होता है। दीपेंद्र जी का जो मुकाबला है वो बीजेपी पूरी बीजेपी भी मिलकर नहीं कर सकती, इसलिए हर बार दीपेंद्र जी के ऊपर ही वोट अटैक करते हैं। दीपेंद्र जी के जो काम है, आप पूरे लोकसभा में भी घूमे होंगे, दीपेंद्र जी के जो काम है वो बिना गिनने वाले हैं, अनगिनत काम है। और हमारे जो सांसद रहे हैं अरविंद शर्मा जी, वो एक काम अपना ये बता दें अगर भाई ये काम उन्होंने कराया है तो हम उस बात को मान लेंगे। अरविंद शर्मा तो कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए, ऐसा है मोदी के नाम पर हर आदमी आप अपनी सोच की बात है। ये जो लोकसभा का चुनाव है ये कैंडिडेट का चुनाव है, या दीपेंद्र वर्सी अरविंद शर्मा का मुकाबला है तो उनका मुकाबला कराओ और फिर लोगों में जाओ और पता लगेगा आपको कि दीपेंद्र जी ने हर वर्ग के लिए, हर शिक्षा के लिए, हर व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी, चाहे IIM में लाने की बात हो, चाहे भाई भादरगढ़ तक मेट्रो लेके आने की बात हो, चाहे स्टेडियम बनवाने की बात हो, जो खेल खिलाड़ियों के लिए बात हो, वो अब देखा होगा हमारी बेटियाँ जितनी खिलाड़ियाँ थी उनको घसीटा गया और दीपेंद्र जी ने हर साथ हर खिलाड़ी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो दीपेंद्र जी हमारे एक ऐसे सांसद है, रात को भी आप कॉल करोगे, वो हारने के बावजूद भी 5 साल लोगों के बीच में रहे। और हमारे सांसद जी का तो आप जगह जगह हर वर्ग विरोध कर रहा है कि वो आए नहीं। दीपेंद्र जी का तो कोई कह ही नहीं सकता कि 5 साल वो एक दिन भी कर नहीं रहे। और आज आप उनसे मिले होंगे तो बुखार में भी आपने उनकी हालत देखी होगी। तो ऐसे जो लाखों दिलों की धड़कन है दीपेंद्र जी, वो हमेशा हर आदमी के लिए तैयार रहते हैं जी। राहुल जी एक बात और, बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से एक बयान दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा बीबी हैं, मतलब बाबू बेटे की पार्टी है, कंपनी है। ऐसा तो कहने को कुछ भी लोग कह सकते हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे उत्तरी भारत के सबसे प्रभावशाली नेता हैं और हर वर्ग 36 बरादरी के नेता हैं, हर वर्ग उनका मान सम्मान करता है और वो हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर के चलने का उनका काम है जी। वहीं अगर हम सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें तो क्या लगता है क्या रहेगा, सतपाल ब्रह्मचारी आपके क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? देखो जो टिकटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हाईकमान के मिल के बांटने से जो पब्लिक में एक मैसेज गया है वो बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। और रही सतपाल ब्रह्मचारी की जो बात है, वो समाज में उन्होंने सामाजिक कार्य ही पूरा जीवन में अभी किए हैं उन्होंने, और उनके ऊपर ना कोई किसी तरह का लालसन है और 36 बिरादरी उनके ऊपर उत्सुकता से लगी हुई है और हम वहाँ से लाखों की संख्या में वोट लेकर के जीतेंगे जी। एक बात और राहुल जी, अगर हम बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? विचारों का अंतर है, भाईचारे का अंतर है और काम करने का अंतर है। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लोगों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं और बीजेपी जोड़ने में विश्वास रखते हैं। नहीं, वो उल्टा है जी। वो आपको भी पता है, आप पत्रकार हो, कौन तोड़ने की काम करता है कौन जोड़ने का काम करता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हर समय जोड़ने का ही काम करते हैं, दीपेंद्र जी हर वर्ग के लोग जो हैं उनको उनसे इतना प्यार करते हैं। रात को 10 बजे की भी उनकी जनसभा में हजारों की संख्या में औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब उनसे जगह जगह नुक्कड़ पर आप उनके साथ गए होंगे तो मिलने वाले हजारों की संख्या में लोग खड़े रहते हैं। तो ये उनका जो समाज में एक इंसानियत के नाते जो प्रभाव है वो दर्शाता है कि दीपेंद्र जी इस चुनाव में पिछला रिकॉर्ड जो अपने 2005 का उसको तोड़ करके लोकसभा पहुंचेंगे और लोकसभा पहुंच करके सीधे वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे जी। मतलब आपने पहले दिल्ली पहुंचा दिया फिर उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचा दिया, आपको क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते हुए उनकी मौजूदगी में क्या दीपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़ जा सकते हैं? ईमानदारी से दिल से बताइए। देखो ऐसा है, ये तो
पार्टी हाईकमान को फैसला करना है भाई किसको भेजना है। बाकी वो अगर दिल्ली पहुंच करके चंडीगढ़ पहुंचते हैं तो हुड्डा साहब पहुंचते हैं तो भी वो पहुंच गए, और दीपेंद्र जी पहुंच गए तो भी हुड्डा साहब पहुंच गए, तो छत्तीस बरादरी का मामला है। नहीं, हमें पता है आप तमाम जो युवा लोग हैं वो चाहते हैं कि दीपेंद्र जाए, लेकिन आपको क्या लगता है भूपेंद्र हुड्डा के होते हुए दीपेंद्र जा सकते हैं? देखो वो पार्टी का फैसला है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं इस फैसले को मैं कर दूंगा, यह हाईकमान का फैसला है। सबसे पहले तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में 10 की 10 सीटें जीत करके कांग्रेस की जोड़ी में डालनी है, और ये मैं बिल्कुल पूरे हरियाणा में घूमता हूँ ये दिल से कहता हूँ कि जो हुड्डा साहब के जो पिछले 10 साल काम हैं आज हर वर्ग उनको याद करके और बड़ा महसूस करता है, उसी के आधार पर मैं लगता है कि मैं जहाँ जाते हैं हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी जहाँ जाते हैं वहाँ हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और हमारे को ये प्रतीत होता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बन रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। जी बिल्कुल, ये थे राहुल कुमार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ तौर से कहना है कि रोहतक की बात हो या फिर सोनीपत की बात हो, दोनों लोकसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा दबदबा है, और इस बार हर हाल में दोनों सीटें ये जीत कर रहेंगे। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि आधी रात को भी दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा के चाहने वालों की बात करें, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा एडी चोटी तक का जोर इस चुनाव में लगा रहे हैं, ऐसे ही उनके तमाम समर्थक राहुल जैसे जो समर्थक हैं वो भी आधी रात को अलग अलग गाँव में जाकर अलग अलग घरों में जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि प्रभाव कितना रहेगा ये तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।